नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट औसत से लेकर आए हैं 14 नंबर पार्ट है विविध प्रश्न। आइए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है, तीन संख्याओं एक्स वाई तथा जेड का औसत 45 है। उनमें एक्स संख्या वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक है और वाई तथा जेड का औसत वाई से 2 अधिक है। तदनुसार एक्स तथा जेड का अंतर कितना है? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम देखेंगे कि इसका औसत कितना दिया हुआ है। तो संख्या यहाँ है एक्स वाई और जेड है, इसका औसत आपका दिया है 45 है। तो ये तो औसत दिया है। अगर योग करना चाहते हैं तो 1, 2, 3 है, तो तीनों का योग करना चाहते हैं तो इसमें 3 से हम गुणा कर देंगे तो योग बन जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो योग क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 45 में 3 का गुणा कर देंगे तो 135 ये योग बन गया। एक समीकरण आपका बन गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं कि दूसरा कथन क्या कह रहा है। तो दूसरे सेंटेंस में है, उनमें एक्स संख्या वाई तथा जेड के औसत से 9 अधिक है। तो इनमें दूसरे कथन में एक्स जो संख्या है ये कह रहा है कि y और z के औसत से, तो औसत क्या होगा, योग बटे संख्या 1 और 2 है तो 2 से भाग दी। अब कितना अधिक है तो कह रहा है 9 अधिक है, तो मैंने 9 बना दिया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे एलसीएम तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 से कट जाएगा तो y प्लस z तो यहाँ रहेगा। अब प्लस इसमें 1 का भाग देंगे 2, तो 2 का इसमें 9 में गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 18। और इधर जो है एक्स है, एक्स में ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस ऐसे, तो 2 यहाँ से हट जाएगा, इसके स्थान पे चला जाएगा। और एक चीज यहाँ और देखते हैं, अगर इसको हम पश्चांतर करना चाहेंगे तो वाई को अगर इधर लाएंगे तो माइनस वाई, प्लस को इधर लाएंगे तो ये माइनस जेड, प्लस 18 को इधर हम छोड़ देंगे तो इस प्रकार से ये समीकरण नंबर यहाँ 2 बन गया। अब देखते हैं तो ये समीकरण y प्लस है, y z प्लस है, यहाँ ये दोनों माइनस है तो एक तो x का वैल्यू इन दोनों से निकल जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि y और z यहाँ दोनों ये जो समीकरण है इसको हम जोड़ लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो x और 2x क्या होगा, तो आप कह सकते हैं ये तो 3x बनेगा। और y प्लस है माइनस, ये दोनों हट जाएगा। यहाँ z प्लस है माइनस, ये भी हट जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 135 में 18 प्लस कर देंगे तो 153 बनेगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी 3 से इसमें भाग देंगे, 3 5 15 3 कितना आ जाएगा, 51 आ गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये तो 51 बाकी है और आगे देखते हैं क्या कर रहा है। तो आगे कह रहा है और y तथा z का औसत y से 2 अधिक है। इसमें ये कह रहा है y तथा z का औसत, तो औसत क्या होगा, y और z को जोड़कर 1, 2 है तो 2 से भाग दी। अब y से कहता है कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो मैंने 2 अधिक कर दिया। यहाँ भी इसका इसमें और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना बनेगा। तो इधर से अगर देखा जाए तो यहाँ से y का इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 2y, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुना 4, और बराबर इसमें इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, y प्लस जेड हो जाएगा। y को इधर ला कर इसमें से माइनस करेंगे तो ये y बन जाएगा, यहाँ जेड को इधर लाएंगे तो माइनस जेड बन जाएगा। अब 4 को अगर इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 4 इधर हो जाएगा। अब फिर ये भी एक देखते हैं कि समीकरण तो बन गया। अब यहाँ से वाई माइनस जेड एक बन गया समीकरण, अब यहाँ से एक समीकरण ये तो बन गया। अब यहाँ वाई माइनस जेड इसमें से खोजते हैं कहीं मिल जाएगा, तो
आप देख लिए हैं कि x की वैल्यू कितना आ गया है, 51 रख देंगे तो y प्लस z यहाँ भी बन जाएगा, y और माइनस z दोनों मिलेगा तो आपको मदद करेगा। तो क्या करते हैं कि आपका समीकरण यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 135 है। ये समीकरण नंबर 1 से यहाँ से हमने उतारा। अब इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो x की वैल्यू कितना है, 51। तो इसके स्थान पे मैंने 51 रख दिया तो 51 इधर जाकर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाई प्लस जेड बराबर 135। अब इसको अगर हटा देते हैं 51 को तो इधर जाकर 51 इसमें से कम हो जाएगा तो y प्लस जेड कितना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। 13 में से 5 निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 और बना, 1 नंबर 2 नंबर, इसको हम 3 नंबर लिख लिए समीकरण, और इसको मान लीजिए कि 4 नंबर समीकरण। अब वाई जेड यहाँ भी, वाई जेड यहाँ भी दोनों को हम भिड़ा देते हैं तो वाई माइनस जेड बराबर -4 है। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। लास्ट में आपसे पूछ रहा है तदनुसार x तथा z का अंतर कितना है। तो x का तो हमने मान यहाँ खोज लिया है कि x का मान कितना है, 51 है। अब हमको z का मान खोजना है कि कैसे आए। तो इसमें z का जो मान करना है तो z को बचाना है, तो इस समीकरण में से इसको हम माइनस कर लेते हैं कि माइनस ये प्लस। y से y कट जाएगा, ये प्लस z 2z हो जाएगा। आइए 84 और 4 कितना होगा, 88। आइए z इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। तो यहां से z की वैल्यू कितना आ गया, 44 आ गया। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि x और z का अंतर क्या है, x और z का अंतर क्या है। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 51 आ गया। z की वैल्यू कितना आया है, तो 51 x की वैल्यू, z की वैल्यू 44 हो गया। तो 44 यहाँ से कम कर देंगे तो यहाँ 11 में से 4 कम करेंगे तो ये 7 होगा, 4 खत्म। तो इसका दोनों का डिफरेंट जो आएगा 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उसके भी हम चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 12,000 रुपया है और अगले 7 महीनों का खर्च 13,000 रुपया है। तदनुसार यदि वह पूरे वर्ष में 29,000 रुपया की बचत कर लेता हो तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है। तो आय पूछ रहा है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ संख्या लिख लेते हैं इसमें, और फिर लिख लेंगे औसत, और फिर लिख लेते हैं क्या, योग। इस प्रकार से लिख लिए तो संख्या दिया है कि 5 महीने का औसत जो है कितना है, 12,000 रुपया है। तो इसका 5 महीने का योग क्या होगा, तो औसत गुणे संख्या, तो 12 × 5 = 60। इसका मतलब योग जो होगा 5 महीने का 60 है। अगले 7 महीना का दिया है 13,000 रुपया है, तो ये 13,000 रुपया अगले 7 महीने का लिख ली तो 13 × 7 कितना हो, 91,000 रुपया हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्या है दोनों, तो ये आपका है जो ये खर्च है, और यहाँ बचत दिया हुआ है, बचत कितना है, तो बचत आपका लिखा है 29,000 रुपये की बचत करता है। तो ये 29,000 क्या हो गया, बचत हो गया। तो पूछता है तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय 5 × 2 = 7, तो 12 माह की आय, आय बराबर क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं खर्च और बचत को हम प्लस कर देंगे तो ये आय हो जाएगा।
तो ये 12 माह की आय कितनी होगी? ये कितनी होगी? 12 माह की आय होगी। कितना हो जाएगा? तो खर्च जो है ये दोनों है, ये बचत ये दोनों है, इसको हम प्लस कर दें। 3 0 3 0 3 0 तो है ही है, तो 3 0 तो इस पे रहेगा। 9 में एक जोड़ेंगे 10 को, यहाँ क्या होगा? 0। 9 में एक जोड़ देंगे 10 को, क्या होगा? 0। और फिर 9 2 11 और 6 17 और 1 हासिल कितना होगा? 18। इसका मतलब 1,80,000 इसकी 12 माह की आय होगी। औसत आय पूछा है, तो औसत मासिक आय पूछा है, तो औसत मासिक आय बराबर, इसका मतलब 12 से इसमें भाग दे देंगे तो एक महीने का निकल जाएगा। तो 1,80,000 में हम 12 से भाग देंगे, 12 ही कम 12, 12 5 60 3 0 लगा देंगे, तो इसका मासिक आय जो औसत होगा वो 15,000 होगा, जो कि इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, उस पे भी हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, 20 ओवर के एक मैच में उसे जीतने के लिए जरूरी रनों की दर 7.2 है। ओवर की संख्या कितना है? 20, और औसत मतलब दर दिया हुआ है 2.7.2। अगर 0 से इसे गुणा किया जाए 0.2 हट जाएगा, 72 का 2 गुना करेंगे तो इसका 20 ओवर का योग कितना होगा? 1.44 हो जाएगा। यदि 15 ओवर के अंत तक रनों की दर 6 रह जाती है, ये तो 20 ओवर का है, आप 15 ओवर का जो बता रहा है, शुरू से जो 15 हो रहा है उसका औसत दर कितना? 6 है, तो 15 ओवर का टोटल रन 15 6 का 90 हो जाएगा। तो शेष ओवरों में मैच जीतने के लिए कितने रनों की जरूरी होगी? तो शेष ओवर कितना बचेगा? तो 20 में से 15 निकाल देंगे तो 5 ओवर में औसत पूछ रहा है, तो इसमें टोटल 20 ओवर का रन में से 15 ओवर का रन निकाल दीजिए, तो 44 में 10 प्लस कर देंगे तो कितना? ये 54 हो जाएगा। तो औसत आपसे पूछ रहा है, तो औसत कितना हो जाएगा? तो योग बटे संख्या, ये 5 ओवर का योग है, आप बटे में कितना रन का कितना ओवर खेलना है? 5 खेलना है, 5 से इसमें भाग, 5 एक 5 4 में भाग नहीं जाएगा, 0.5 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ाकर, तो 40, 5 8 40, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10.8 इसका करेक्ट जवाब होगा, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था और मंगलवार से गुरुवार तक का 34 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना था? आइए देखते हैं, सबसे पहले सोमवार से बुधवार का तापमान, तो हमारा सोमवार दिन है और उसके बाद मंगलवार, उसके बाद बुधवार का औसत तापमान दिया है कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड औसत दिया है। तो अगर योग करना चाहते हैं तो 1 2 3 दिन का है, तो 3 से इसमें हम गुणा करते हैं, तो क्या होगा? ये सोम का और मंगलवार प्लस बुधवार का पूरा टोटल तापमान देखा जाए, 7 3 का 21 3 3 9 2 11 111 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज और कह रहा है, और मंगलवार से गुरुवार तक 34 डिग्री था, यहाँ कह रहा है मंगलवार से गुरुवार तक, तो मंगल होगा, बुध हो जाएगा और गुरु हो जाएगा, का तापमान जो है कि 34 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 34 डिग्री तो ताप यहाँ औसत लगाया है, अगर इसको योग बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी 1 2 3 है, तो 3 से इसमें गुणा करते हैं,
तो यहाँ 34 का 3 गुना 4 के 12 30 यानी 90, 90 12 102। तो यहाँ देखेंगे योग कितना होगा, 102 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब इतना तो हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है उसमें गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में 1/4 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना है। आइए सबसे पहले इसको हम माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो मंगल से मंगल खत्म होगा, बुध से बुध खत्म होगा। अब सोमवार माइनस क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। तो सोमवार गुरुवार का अंतर देखा जाए 11 में से 2 कम कर देंगे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज कह रहा है कि सोमवार की तुलना में 4/5 रहा हो या नहीं, उसमें यदि गुरुवार का तापमान, गुरुवार का तापमान सोमवार की तुलना में, तो सोमवार को एक्स मानेंगे, इसके तुलना में 4/5 रहा हो तो एक्स का सोमवार है और इसका 4/5 मैंने 5 कर दिया, 4/5 कर दिया तो ये गुरुवार का तापमान हो जाएगा। अब देखते हैं बराबर कितना है, ये 9 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आप कहेंगे ये 5 होगा, 5 का इसमें गुणा होगा 5 एक्स माइनस ये कितना होगा 4 एक्स, अब बराबर कितना है 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ बटा में एक मानेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो 5 का इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो 5 का जब 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 × 5 = 45 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ एक्स बचेगा तो एक्स की वैल्यू कितना होगा, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आपका गुरुवार का क्वेश्चन कह रहा है तो गुरुवार का हमने निकालेंगे, गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा, तो गुरुवार का तापमान देखेंगे तो एक्स है तो एक्स इंटू 4/5 है तो एक्स की वैल्यू 45 है, 45 में 4/5 से भाग दे देंगे 9 और 9 चरों को कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड, यही जो है गुरुवार का तापमान आएगा 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत रन 40 रन है, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है, तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं वही चीज, संख्या लिख लीजिए, एक तरफ औसत लिख लेते हैं, उसके बाद योग लिख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है 30 पारियों का औसत जो बन रहा है 40 रन, तो 30 पारियों का कुल रन कितना होगा, 30 में 40 का गुणा कर देंगे तो योग हो जाएगा 12। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, एक अधिकतम स्कोर बना रहा है और एक आपका इसमें न्यूनतम स्कोर बना रहा है, जो न्यूनतम है इससे 100 रन क्या करना है ज्यादा, अधिकतम को बता रहा है, तो यक्ष तो रहेगा इससे 100 रन ज्यादा अधिकतम को बना दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि उक्त दोनों पारियों को शामिल न किया जाए तो शेष 28 पारियों का, यहाँ 28 पारियों का औसत रन कितना 38 दिया है, तदनुसार खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना होगा, न्यूनतम स्कोर का मतलब कि एक्स की वैल्यू ये पूछा। अब देखा जाए तो 28 में 38 का 8 कितना होगा 64, और 16 अतिरिक्त 24, 16 24 40 और 6 कितना होगा 46, और 3 दुना के 6 और 4 कितना होगा 10, तो इतना हो जाएगा। अब इसमें से दो जो अधिकतम और न्यूनतम छोड़कर 28 है तो इसमें से निकाल देंगे तो अधिकतम और न्यूनतम आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, दो में अधिकतम और न्यूनतम शामिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे तो इसमें से टोटल रन 30 में से 28 निकाल देंगे, 28 का योग, तो यहाँ 1200 में से अगर एक 1000 निकालेंगे तो 200 और 200 में से 64 निकाल देंगे तो 136 हो जाएगा,
136 होगा आपका यही बनेगा अधिकतम और न्यूनतम का है। तो अधिकतम और दो टन है तो एक इसका है और एक इसका है तो हम प्लस कर देंगे तो कितना होगा 136 हो जाएगा। तो 136 हो जाएगा। अब इसको मैंने हटा लिया तो यहाँ से x और x कितना होगा 2x, 100 जाकर 136 में से 100 निकाल देंगे 100 तो ये 36 हो जाएगा। तो x बराबर आएगा क्या, 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 18। तो न्यूनतम ही पूछ रहा है, न्यूनतम x की वैल्यू कितना आएगा, तो x की वैल्यू 18 रन, जो कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। इसी के साथ मेरा ये आज का क्लास समाप्त होता है। अगर ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।